हेलो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आज का वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर यानी व्याकरण, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, लेसन टू। आप लोग के इन्हीं के बारे में जानना है, और आप लोग नए हो तो पीके इंग्लिश गुरुजी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक एंड कमेंट जरूर से जरूर और शेयर करें। शब्द भेद की परिभाषा, परिभाषा शब्द भेद की परिभाषा, शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी कि शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी अलग किया गया है। और उनके कार्य क्या है निम्नलिखित है, यानी आठ भाग होते हैं, अभी उनके बारे में बताऊंगा। अभी आपको डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डिफिनेशन है मैं इंग्लिश में बनाया हूँ, बहुत इजी टाइप का है, बहुत छोटा में है, आप लोग उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो आप लोग समझो, द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन टू सम पार्ट्स, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से आप लोग देख लीजिए अच्छे से, शब्द भेद की परिभाषा, शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी कि शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर उनको विभाजित किया गया है। डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन टू सम पार्ट्स, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं इसके जो है मैं आपको इसके भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ, इनके जो भाग होते हैं, इनके भाग जो है आठ होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानना है, बहुत ईजी है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अंत तक मेरे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर करें, ऐसे करेंगे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे जो है मुझे। और भाई दुआ है कि आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हमारी दुआ है, आपका मेहनत है, मतलब हम दोनों मिलकर जो है साथ देंगे, सपोर्ट देंगे। और आपका देख लीजिए पहला क्या है आपका, नाउन, पहला क्या आपका नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है आपका संज्ञा, नाउन मीन्स क्या होता है आपका संज्ञा। नंबर टू क्या है आपका पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है आपका, प्रोनाउन मीन्स होता है आपका सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है आपका सर्वनाम होता है आपका। नंबर आ गया थ्री आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव 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 मीन्स क्या होता है आपका विशेषण होता है, क्या होता है आपका विशेषण, क्या होता है आपका विशेषण होता है। नंबर फोर है आपका, नंबर फोर है आपका वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होता है आपका, वर्ब मीन्स होता है आपका क्रिया होता है, वर्ब मीन्स क्या होता है क्रिया होता है। नंबर पांच है आपका एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स होता है, एडवर्ब मीन्स होता है, एडवर्ब मीन्स होता है
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है, सॉरी इंक इंक खत्म हो गया, हेलो वेलकम। प्रीपोजिशन मिस होता है, संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन मिस होता है, संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन मिस होता है, विस्मय बोधक अव्यय, यही सब आठों भाग है। मैं आप लोग सभी को बता दिया, प्रीपोजिशन मिस होता है, संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन मिस होता है, संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन मिस होता है, विस्मय बोधक अव्यय, यही सब आठों भाग होते हैं। आप लोग को मैं बता चुका हूँ, अभी मैं इसके बारे में आप लोग को विवरण तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे पहला क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, बस मैं आप लोग को ऐसे में बताते रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरा वीडियो देखने का थैंक यू, और सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए आप लोग मिलजुल कर।